हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रो उमेश। मैं उमेश कुमार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक खास व्यक्ति से मिलने वाले हैं, खास व्यक्ति से बातें करेंगे और उस खास व्यक्ति से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जान लेते हैं कि आज किन से मिलने वाले हैं, किन से बातें करने वाले हैं। सो हमारे साथ इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं हमारे ग्रेट सर मिस्टर अमित शाह सर, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग में सफल व्यक्ति हैं। आज हम लोग इनसे मिलेंगे, इनसे बातें करेंगे, इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और अपनी जिंदगी में वो उतारेंगे और हम लोग भी, हम सभी भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमारे साथ हैं मिस्टर अमित शाह सर। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं सर? बस सर, बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे यहाँ आए और हमारे साथ समय दे रहे हैं, व्यूअर्स के साथ बातें आज करेंगे बहुत ढेर सारी, जिसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, तो अपने एक इंट्रोडक्शन देंगे छोटा सा, उसके बाद सर हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे। सर उमेश जी, और आपने मुझे मौका दिया, अपने चैनल में मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरा नाम अमित शाह है और बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और दिल्ली में सेटल हूँ। गुड़गांव में मेरा अपना घर है, लेकिन मैं रहने वाला झारखंड का हूँ। रामगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और आज से करीब 26 साल पहले दिल्ली चला गया था, बड़ा बड़ा सपना लेकर के इंजीनियर बनूंगा, नौकरी करूंगा। लेकिन इंजीनियर तो बन भी गया, नौकरी भी करने लगा। 12 साल मैंने नौकरी किया दोस्तों, लेकिन जहाँ से मैंने अपना नौकरी को स्टार्ट किया था, 12 साल के बाद भी अपने आप को वहीं पा रहा था, उसी किराए के मकान पर रह रहा था। उसी दौरान ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखने का मौका मिला, ज्वाइन किया और पार्ट टाइम में करता गया अपने नौकरी के साथ साथ। नौकरी के बाद जो एक दो घंटा मिलता था, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे, वो नौकरी से पूरा नहीं हो पा रहा था। मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जब मेरी पार्ट टाइम करते करते जब इनकम मेरी बहुत अच्छी होने लगी, तो मैंने नौकरी को रिजाइन कर दिया और आज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। आज रूट पर बिजनेस करता हूँ और आज मैं प्राउड फील करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बन चुका हूँ। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो आज दिल्ली गुड़गांव में किराए के मकान से अपना घर बना चुका हूँ। आज रामगढ़ में हूँ, रामगढ़ में भी प्लॉट खरीदा हूँ, प्रॉपर्टी बनाया हूँ। आज दो दो कार है मेरे पास, अभी एक वैगन आर खरीदा था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम अभी मैं क्रेटा कार में घूमता हूँ, 300 दिन में कार में घूमता हूँ। आज जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है, विदेश भी घूम के आया हूँ। कभी नहीं सोचा था कि नौकरी के दौरान मैं कभी विदेश भी घूमने के लिए जाऊँगा, लेकिन विदेश भी घूम के आया हूँ। आज जो है उस जगह पे हूँ कि लाखों रुपये कमाता हूँ। आज उस जगह पे हूँ कि आज मैं काम करता हूँ तो पैसा आता है, आज काम नहीं भी करूँगा, मर भी जाऊँगा, फिर भी मेरे घर में लाखों रुपये के इनकम आएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपके बारे में जान के। सर, कुछ सवाल ऐसे हैं जो एक्चुअली में, चूँकि आप डायरेक्ट सेलर हैं और बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं और फेल भी होते हैं और पास भी होते हैं, तो मेरे कुछ आपसे क्वेश्चन रहेगा, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस और कुछ उन लोगों के लिए जो आज नए नए डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं। यस सर एक्चुअली में सर आपने बताया कि आपके बहुत सारे अचीवमेंट हैं, लेकिन सर वो सारे अचीवमेंट में से सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है जो आपने डायरेक्ट सेलिंग से अचीव किया है? सबसे बड़ा अचीवमेंट की बात करूँ, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नौकरी करता था दिल्ली में और मैं से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बड़े बड़े सपने लेकर के मैं दिल्ली आया था और किराए के मकान पे रहता था। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि सबके सपने होते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं, तो सबके सपने होते हैं कि अपना एक बढ़िया सा घर हो और अपना एक शानदार लग्जरी कार हो और विदेश की यात्रा करो। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मैंने करा है डायरेक्ट सेलिंग से, कि अपना मैं घर बनाया हूँ गुड़गांव में दिल्ली में और आज 15 लाख का गाड़ी घूमता हूँ। सर, तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते तो कोई क्या जो ये डायरेक्ट सेलिंग से आप तीनों चीज़ें अचीव किए हैं वो क्या आप नौकरी से अभी तक कर पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाता। अगर कर भी पाता तो मैं बताया कि करीब 5 लाख की कार में घूमता, और जैसे कि मैं अभी 300 दिन कार में घूमता हूँ और लोगों की सैलरी में सुनता हूँ कि 15 से 20 हज़ार लोग कमाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं 300 दिन कार में घूमता हूँ और 15 से 20 हज़ार तो सिर्फ और सिर्फ मैं पेट्रोल में खर्चा करता हूँ। वाह सर, वेरी। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जब आप इंजीनियरिंग करते थे वहाँ पर आपकी सैलरी कितनी थी?
जब मैं लास्ट जॉब छोड़ा था उस टाइम मेरी जो सैलरी थी वो 28,000 की थी। 28,000 ओके। तो सर आप अभी रूट पर से आपके महीनों की इनकम कितनी है सर? आज मेरी जो इनकम है महीनों की अगर मैं बातें करूं तो लाख से ऊपर जाता है। वाओ सर, लाखों में है। ओके सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपके जो मेंटर हैं जिसे आप गुरु मानते हैं और जिनके शरण में जिनके बातों को अनुसरण करते हैं उनका नाम क्या है सर? देखिए ऐसे तो बिल्कुल कहा जाता है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं और अगर आपके कोच नहीं है गुरु नहीं है तो डेफिनेटली आप सक्सेस नहीं कर सकते। ये तो कड़वा सच है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं अपने कोच के बारे में अगर मैं बताऊँ तो रूट प्योर कंपनी के डायरेक्टर संस्थापक जो मैं जो है वो मेरे अपलाइन रह चुके हैं और आज वो डायरेक्टर के पद पे हैं। आज मिस्टर प्रवीण सिन्हा सर वो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं और हर जगह पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जैसा कि कोई भी डायरेक्ट सेलर जब भी काम करता है तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं। यस सर, जब मैं डाउन होता था तो वो मुझे उंगली पकड़ करके मुझे संभाल लेते थे और थैंक्स मैं करना चाहूँगा मेरे डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा सर का और भी डायरेक्टर सुबोध सर का, संजय सर का, जिनके बदौलत आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। जो भी अचीवमेंट है उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक व्यक्ति और मैं भूलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आया है और कभी नहीं भूल सकता, मिस्टर जितेश अग्रवाल सर, वो मेरे अपलाइन हैं और उन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया है, उन्होंने मौका दिया है। लेकिन कोच की बात करूँ तो परवीन सर मेरे कोच हैं और सबसे अपलाइन जितेश सर का भी सभी बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि आपके जो मेन मेंटर मेन जो गुरु हैं वह प्रवीण सिन्हा सर। यस सर। आपको जो इस बिजनेस में लेकर आए हैं जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के बिजनेस को सिखाया उनका नाम है जितेश, मिस्टर जितेश। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपका पसंद का बुक कौन सा है जो आप बुक पढ़ते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों का शौक होता है मूवी देखना, बहुत सारे लोगों का शौक होता है और फिल्म देखना या फिर बुक्स पढ़ना, सर आपका शौक कौन सा है, क्या है? मेरा जो शौक है ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ, जैसे कि जो बुक मैं पढ़ता था अभी पढ़ता हूँ जीत आपकी। कौन सा सर? जीत आपकी। जीत आपकी, हाँ। ओके ओके, थैंक यू सर। जीत आपकी, वो मैं उससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ और मैं पढ़ा हूँ, काफी कुछ सीखने। ओके ओके। तो सर अगर मैं आपको चॉइस दूँ, जैसे मैं आपको एक मूवी का नाम बताऊं, फिर मैं आपको एक बुक दूं और फिर मैं आपको एक गाना म्यूजिक दूं, तो तीनों में से आप कौन सा सुनना या कौन सा पढ़ना या कौन सा देखना पसंद करेंगे? बुक या वीडियो या म्यूजिक, तीनों में से कौन सा बेस्ट आपको लगता है बेस्ट? देखिए कहा जाता है कि अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और कहा जाता है कि नॉलेज इज द पावर, पावर। यस। अगर कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ देन यू हैव वेरी गुड नॉलेज। यस, नॉलेज इज द पावर, पावर। तो अगर आपका पास नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। तो आपको ना दिमाग में खुराक देना पड़ेगा और खुराक कहाँ से आएगा कि आपको अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोज देख करके और बहुत सारी एक मोटिवेशनल बुक्स हैं जिससे okay. आप मतलब आपका आंसर ये, आपका आंसर ये है सर कि हमें बुक्स से भी और म्यूजिक से भी और वीडियो से भी नॉलेज लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है जमाने के अनुसार जो है ना बदलाव जरूरी है और आज हम लोग वीडियो से बहुत सारी नॉलेज हम देते हैं। ओके सर, जैसा कि मैंने सुना है और जैसा कि सभी लोग जानते हैं भी हिंदुस्तान में कि आप रूट प्योर मार्केटिंग करते हैं, तो सर मेरा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और बहुत ही बेस्ट पोजीशन पे है, तो फिर सर आपने रूट प्योर को ही ज्वाइन क्यों किया? कोई स्पेसिफिक कारण है सर कि रूट प्योर को ही ज्वाइन क्यों किया? चलो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका उमेश जी। देखिए आज डायरेक्ट सेलिंग जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि रूट प्योर ही एक अच्छी कंपनी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन रूट प्योर ही सबसे अच्छी कंपनी मुझे क्यों लगा? क्यों लगा? तो मैं आपको बता दूं कि रूट प्योर के जो पेआउट्स हैं, यस सर, वो दूसरी कंपनियां नहीं देती, नहीं देती। रूट प्योर का जो पेआउट है वो 90% पेआउट देती है कंपनी। रूट प्योर एक ऐसी कंपनी है जो जिसमें आपका वन लेग इनकम भी है रिपर्चेसिंग में। रूट प्योर एक ऐसी कंपनी है जहां पे एक टोपाज के बाद आपके एक लेवल के बाद जो है कंपनी आपके ना रहने के बाद भी आपके बच्चे को फैमिली को एक मोटा रकम देती है और आपके बच्चे को पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा ग्रेजुएशन तक का वो सारा खर्चा रूट प्योर कंपनी करती है। इवन अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो सर कैशबैक भी ऑफर है आपका। ओके, मतलब जो दूसरी कंपनियां दे नहीं रही है आज की डेट में। और बात करूं पेआउट की, पेआउट तो है ही बेहतर प्रोडक्ट। मैं चैलेंज करता हूं
यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, रूट बियर के जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं, अंदा प्रोडक्ट्स हैं, और प्राइस वाइज चैलेंज करता हूँ, प्राइस वाइज कोई कंपनी नहीं टिक सकती है। हाँ, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हो सकते हैं, लेकिन प्राइस वाइज तो मैं चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज पूरा दुनिया में, कि इसके जैसा क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज कोई नहीं दे सकता है। सर, क्या आप रूट बियर का सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं? डेफिनेटली, मैं बता दूं कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो रूट बियर के प्रोडक्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं चाय, जो है रूट बियर का जो चाय है, मैं उसे स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद फिर फ्रेश होता हूँ, उसके बाद फिर मैं एलोवेरा लेता हूँ, उसके बाद फिर कुछ देर के बाद मैं इम्यूनो लेता हूँ, जिससे मैं पूरा दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। ओके, और आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और जिसे आज इम्यूनो रूट लेकर के दिन में कभी नहीं भी खाता हूँ तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रात के 11 बजे तक मैं काम कर सकता हूँ, ये स्टेमिना देता है इम्यूनो रूट। ओके 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 सर, मुझे अभी एक बात याद आई आपकी ये सारी चीज़ों से, कि आप मतलब स्वस्थ होते भर में ये सारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, कहा जाता है कि अगर आपको हेल्थ इज वेल्थ, आपके हाथों में 1 करोड़ रुपए हैं और आप स्वस्थ है ही नहीं, आप बीमार रह रहे हैं, तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा पैसे का, वो कोई काम करेगा। आज हम लोग जो है हेल्थ का प्रोडक्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। नहीं तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए कहा सर भूषण, क्योंकि एक्चुअली में जब लोग के पास जाते हैं डायरेक्ट सेलर और वो स्वस्थ होते हैं, तो उनको जो प्रोडक्ट दिया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, आपको ये बहुत फायदेमंद रहेगा, तो उनका आंसर आता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, अब यहाँ पे व्यूअर्स को ये क्लियर हो जाएगा, जो डायरेक्ट सेलर कर रहे हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये क्लियर होगा कि जब आप स्वस्थ रहते हैं भर ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करें, ताकि आप आगे बीमार ना हो, तो वो भी जरूर यूज करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेजी, मैं आपको बताऊँ, मैं एक सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप जिस घर पे रहते हैं और उस घर पे रहते हैं और आपको जब पता लगता है कि बादल होने वाला है, बादल छा रहा है और कुछ देर के बाद बारिश होगी और आंधी तूफान आने वाला है, जब आपको पता लग जाएगा तो क्या करेंगे? तो सर हम क्या करेंगे, अपना खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे। बिल्कुल, खिड़की दरवाजे जितने भी हैं आप बंद करेंगे। उसी तरीके से आपको जब पता लग जाता है या नहीं भी लगता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आने वाला जो टाइम है हम स्वस्थ रहें। यस सर, हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास जितनी भी फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स हैं, यस सर, और जिससे आप सेवन करते हैं, तो अगर आप बीमार हैं तो आप बीमार ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, और नहीं है तो मैं दावा करता हूँ कि कभी आपको डॉक्टर के पास जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर। आगे जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो है सर लॉकडाउन से रिलेटेड। लॉकडाउन में जैसा कि मैंने आंकड़े पढ़े हैं कि करोड़ों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, जो अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे उनकी इनकम जीरो हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो मैंने ऐसा सुना है सर कि जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो काम करते हैं तो पैसा आता ही आता है, लेकिन अगर काम नहीं भी करते हैं तो भी पैसा आता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आप लॉकडाउन में, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितने महीने काम किए, जैसे लॉकडाउन 2-3 महीने के लिए रहा, तो आपने उसमें से कितने महीने काम किए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए उमेश जी, लॉकडाउन में मैंने सुना है और देखा भी है, लोगों के इनकम बंद हो गए जी। लोग जो बिजनेस करते थे, नौकरियां छूट गई, बिजनेस करते थे वो बंद हो गए। यस सर, बहुत सारे लोगों के, मैक्सिमम लोगों के। लेकिन थैंक गॉड मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में जो है, जब लॉकडाउन था, लोगों के इनकम रुकते हैं, बंद होते हैं या डाउन होते हैं, और मेरे जो इनकम थे वो अप हुए लॉकडाउन में। लेकिन थैंक गॉड रूट बियर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इम्यूनो लिया, तुलसी लिया, आंवला जूस लिया, और भी कई प्रोडक्ट्स हमने लिए, जिससे हम लोग को हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई, और लॉकडाउन के दौरान हमने जरा सा भी काम नहीं करा, और आज लॉकडाउन में हम ठीक भी हो गए, कोरोना पेशेंट्स हम नेगेटिव भी हो गए, पॉजिटिव में नेगेटिव भी हो गए, और मैं खुश हूँ कि आज मैं लाखों रुपए का इनकम भी किया उस टाइम, और अभी भी कर रहा हूँ। वाओ, मतलब सर आपका कहना यह है कि आप लॉकडाउन में काम करने के बजाय आप कोरोना से पीड़ित थे, पीड़ित उसके बावजूद भी आपकी इनकम आ रही थी। सर आप लॉकडाउन जो कम्प्लीटली लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें सर आपकी महीने की इनकम लगभग कितनी थी सर? आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, मैं बैंक स्टेटमेंट आपको दिखा दूंगा, उस टाइम मेरी जो इनकम थी लाखों रुपये थी। फ्रेंड्स मैं जरूर स्क्रीन शॉट शेयर करूंगा, अगर हमें सर देंगे तो। बिल्कुल दूंगा जी सर, बिल्कुल देंगे। चलिए थैंक यू सो मच सर। तो ये लॉकडाउन में मतलब सर आप समझ पा रहे होंगे व्यूअर्स,
दोस्तों कि एक डायरेक्शन एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया कि लॉकडाउन में कोरोना पेशेंट हो चुके थे, मतलब इनकी इनकम जीरो हो जानी चाहिए थी, लेकिन इनके नीचे टीम था डायरेक्ट सेलिंग का, इसके बदौलत इनमें लाखों रुपए इनकम जाता रहा। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा उम्मीद से रुकूंगा, कोरोना का पेशेंट मैं था। यस सर, ये भारत सरकार के रिकॉर्ड में है। ओके, 16 अप्रैल को मेरी चेक हुई थी, आप देखेंगे तो मैं आपको शेयर करूंगा, अगर पॉसिबल है तो डाल दीजिएगा चैनल में। 16 अप्रैल को मेरा रिपोर्ट था जो अभी भी भारत सरकार के पास है, नेगेटिव पॉजिटिव था। ओके, और 1 मई 16 अप्रैल 1 मई को मैं नेगेटिव हो गया था। ओके, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, अगर आपको लगता है शेयर करना है तो कर। ओके सर, ओके। अब सर आगे क्वेश्चंस है कि आप उसका आंसर एक लाइन में दीजिएगा ताकि उनको क्लियर समझ में आ पाए कि रूट प्योर में ऐसा क्या है जो कहीं और नहीं। इसका अगर एक लाइन में आंसर दिया जाए, कोई पूछ दे कि मैं रूट प्योर क्यों करूँ, तो रूट प्योर में ऐसा क्या है जो कहीं और नहीं। चलिए एक लाइन में मैं आपको बता दूं, इनके रूट प्योर के जो डायरेक्टर्स हैं ना, वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ओके, रूट प्योर के जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है, और वो जो डायरेक्टर्स हैं ना वो हेलीकॉप्टर से उतर के नहीं आए। उनके जो डायरेक्टर्स हैं ना वो घीस के डायरेक्टर बने हैं, बने, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो ऑन द दर्जे का है। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे सर छोटा सा क्वेश्चन है, और ये उन पिता के लिए है जो अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहते हैं। सर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि सर आपके पुत्र है बेटे? बिल्कुल, मेरे एक भाई लड़का एक लड़की है। ओके सर, कितना उनका एज हुआ है? एक बच्चा जो है वो 10 साल का है और एक बच्ची है जो 8 साल की। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और मैं आपको ऑप्शन दूँ या फिर दुनिया आपको ऑप्शन दे कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहोगे, ऑप्शन में है सर पहला डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर और तीसरा सर डायरेक्ट सेलर, तो आप क्या बनाना पसंद करेंगे सर? वैसे कि आज जो मैं हूँ डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलर हूँ, तो मैं अपने बच्चे को भी डायरेक्ट सेलर ही बनाना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को, मेरा शौक है कि अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा जी, ना मैं डॉक्टर ही पढ़ाऊंगा ना इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, मेरा शौक है बच्चे को अमेरिका में पढ़वाऊंगा। ओके, और अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ मैं MBA करवाऊंगा, वो भी डायरेक्ट सेलिंग से करवाऊंगा। ओके, ये मेरा है क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला जो टाइम होगा वो डायरेक्ट सेलिंग का ही होगा। yes, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट इंडस्ट्री है, जो नहीं आएंगे, जो नहीं आज आते हैं कल इस इंडस्ट्री में एजुकेशन लेकर आएंगे। नहीं, मैंने ऐसे देखा है सर गूगल पे, और हमारे एक सीनियर सर ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा था कि डायरेक्ट सेलिंग से अब PG का कोर्स निकल चुका है जो 1.5 लाख का है। बिल्कुल बिल्कुल निकल चुका है, आप गूगल में फाइंड कर सकते हैं, कि डायरेक्ट सेलिंग फी करके, डायरेक्ट सेलिंग कोर्सेज करके आप गूगल में फाइंड कीजिए, आपको बहुत सारे जो इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें एजुकेशन स्टार्ट हो चुका है। अरे मैं आज से 25-30 साल 40 साल पहले से ही विदेशों में इसकी पढ़ाई तो जारी है। जी सर, इंडिया तो अब जागा है। इंडिया 2016 में इसका 2016 में इसका कोई गाइडलाइन नहीं था, 2016 में भारत सरकार ने इस काम को मान्यता प्राप्त दे दिया है। आप कॉलेजेज में उसकी भेद, आप प्लस टू के स्कूल में एक प्लस टू जो CBSE के करिकुलम में आप देखेंगे कॉमर्स का जो है, कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स में एक बुक है बिजनेस स्टडी, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के चैप्टर भी डाल दिया गया है, इवन स्कूल के बहुत सारे बुक्स में डाल दिया गया है। आने वाला जो लोग है ना, बच्चे जो है ना, पढ़ के किस काम को करेंगे। थैंक यू सर। सर आपसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद ये मुझे करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी करना चाहूँगा। सर आप यहाँ से लाखों रुपए का महीना कमाते हैं। यस yes. तो सर अगर मैं अभी आपको, क्योंकि हर एक लोग ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ कमा रहा है तो वो चाहता है कि मैं 2 करोड़ कमाऊँ। बिल्कुल। तो सर अगर मैं आपको एक ऑफर दूँ अपने अंडर काम करने का, और आपका पैकेज रहेगा सर 4 लाख रुपए, यानी कि आप यहां से 1 लाख कमा रहे हो, लेकिन मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगा महीने का, और साल में आपको 50,000 सैलरी बढ़ेगा भी, तो सर क्या आप काम करना पसंद करेंगे या नहीं? हाँ या ना? नो। सर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उसका क्या कारण है? अच्छा एक बात बताइए जी सर, जिंदगी भर काम करना सही रहेगा या कुछ साल काम करना सही रहेगा? सर मुझे लगता है कुछ साल काम करना सही रहेगा अगर जिंदगी भर के लिए कमाने का। आप ये नौकरी का ऑफर दे करके मुझे गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? मैं आज
डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा टीम बना चुका हूँ मैं, आज उस जगह पे हूँ कि काम नहीं करूंगा फिर भी इनकम आएगा। 4 लाख की बात करते हैं, अरे यार आने वाला टाइम में महीने के यहाँ पे करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ, 4 लाख की बात करते हैं? नो दोस्त, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, मतलब सर हाँ मैं आपको बता दूं एक नट में। जी सर, डायरेक्ट सेलिंग से मुझे इतना मोहब्बत है और इतना मुझे पावर इसका पता लग चुका है, या तो मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनूंगा या तो मेरी मौत होगी, तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सॉरी सर, मैंने आपसे ये सवाल किया, कोई बात लेकिन ये सवाल मेरा मोस्ट व्यूवर्स के लिए था जो एक्चुअली में ये सोचते हैं कि मुझे नौकरी ही करना है और मुझे 50,000, 30,000, 20,000 महीना कमा के सेटल हो जाना है। लेकिन आपके ये बातों से उनको सीख के सीख मिलेगा कि अगर आप अभी लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं तो कल आप यहाँ से करोड़ों रुपया महीना कमाएंगे, ना कि 4 लाख 5 लाख रुपया महीना कमाएंगे। और अगर आप मेरे अंडर काम करते हैं तो हो सकता है कि 10 साल बाद भी आपका सैलरी 10 लाख रुपये हो। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है न्यू पर्सन, और वो जब मार्केट में जाता है अपने दोस्तों लोग के पास जाता है तो उसके बहुत मजाक उड़ाया जाता है, उनके दोस्तों को मजाक उड़ाते हैं, उनके इवन अपने फैमिली मजाक उड़ाती है, तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी मजाक उड़ाया गया था? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये तो परंपरा है। अच्छा, कहा जाता है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। जी सर, है ना, जब आपकी तरक्की होगी तो लोग तो मजाक तो उड़ाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ से बिना लागत के, बिना पूंजी के, कम पूंजी बोल सकते हैं, करोड़ों सब रुपए कमाए जा सकते हैं, बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। मैं भी यही सोच करके जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव के पास जब जाता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और बोलते थे यार कोई और को दूसरा काम नहीं मिला, यही काम मिला तुम्हारे को करने के लिए, तुम तो अच्छा भला इंजीनियर हो और फिर यही काम कर रहे हो। मैं बोला यार मैं सोचता था काहे का इंजीनियर, ये ठप्पा लेकर के मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, कमा रहा हूँ जितने मेरे सपने हैं बड़े बड़े, मेरी जरूरत है 50,000 रुपए की और उससे कम पैसे में कमा रहा हूँ, जब मैं पा नहीं रहा हूँ तो किस बात का इंजीनियर। सर आपको मैंने ऐसा बोला कि ये तुमसे नहीं होगा? बहुत सारे लोगों ने बोला ये तुमसे नहीं होगा, ये बेकार काम है, ये ऐसा काम है, वैसा काम है, बहुत मजाक उड़ाया गया। सर किसी ने आपसे ऐसा कहा कि ये भी कंपनी भाग जाएगी? वो बोलते ही है, वो तो अभी रिसेंटली की बात है कि एक व्यक्ति, एक दोस्त मेरा मिला और बोला है हेलो, क्या हेलो सर और कैसे हैं, तो मैंने बोला मैं तो बहुत बढ़िया, और क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने बोला मैं वही कर रहा हूँ जो आपको बताया है, अभी तक चल रही है वो कंपनी, अभी तक चल रही है? मैंने बोला यार चल नहीं रही है वो, अब तो उड़ रही है वो कंपनी। जी सर, है ना, आज भी वो स्कूटर में घूम रहा है। कुछ ऐसे भी रिलेशन वाले मेरे हैं इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं कि अगर मैं ज्वाइन कर जाऊंगा तो ये और ज्यादा पैसा कमा लेते। जी सर, जी सर, ठीक है ना, तो इसलिए आप बस लोगों का काम है कहना यार, बस अपना काम करते रहे, लोगों को बताते रहे, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ का भटा सावन की घटा, तू नहीं सही कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, भैया बहुत बढ़िया यार। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल, लाइन से सारे सबको प्लान बताओ, जिसमें जिसके सीने में आग होगा वो करेगा और जिसके सीने में आग नहीं होगा, जिसके सपने नहीं होंगे वो तो मजाक उड़ाएंगे। जी सर, ठीक है ना। यस सर, सर एक लास्ट है और हम लोग एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो रही है। आप उन सारे डायरेक्ट सेलर के लिए जो नया नया ज्वाइन करते हैं या फिर जितने भी अभी डायरेक्ट सेलर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश आप क्या देना चाहेंगे? दोस्तों अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बन चुके हैं तो ये जरूर आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे, तभी आपको डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनने का मौका मिला है और ज्वाइन किया है आपने डायरेक्ट सेलिंग को, बहुत बेहतर बात है, आप कीजिए, मन लगा के काम कीजिए। और ये दोस्त, ये रातों रात अमीर आदमी बनने का धंधा नहीं है, रातों रात करोड़पति बनने का धंधा नहीं है, ये जिस तरीके से हम कोई कोर्स करते हैं इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, जिसमें 4 साल 5 साल लग जाता है, उसी तरीके से इसको भी एक कोर्स के माफिक करें आप। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारा धंधा को छोड़कर करें इसको, एज अ पार्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्ट टाइम ही करें, दैट मींस कि व्हाट एवर यू आर डूइंग यू डू एज यू डू एंड दिस बिजनेस यू कैन डू एज अ पार्ट टाइम, व्हेनेवर यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम यू कैन डू दिस बिजनेस,
पार्ट टाइम करें। जब आपको लगने लगे कि आप यहाँ से अच्छी इनकम होने लगी है, तब आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप इसको फुल टाइम करें, फिर भी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। और करते रहे दोस्त, दो से चार साल का कोर्स है, ना दिन देखे ना रात देखे ना सुबह ना शाम, दुनिया क्या बोलती है उसको छोड़ दें, इधर से सुने इधर से निकले, लोगों का काम है कहना, आपका लक्ष्य है, सपने आपके हैं, पूरा आपको करना है, दुनिया नहीं करेगा, दुनिया तो बैठी है मजाक उड़ाने के लिए, दुनिया तो आलोचना करेगी, और आलोचना तो उसी का होता है दोस्त जो कुछ करता है, और आप डायरेक्ट सलाह में कुछ करने के लिए आए हैं, कीजिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।